रसनू जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस नेशनल पंचायत अवार्ड्स की फंक्शन में। आप पहली सरपंच हैं जो लद्दाख से हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी होने के बाद, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। आप जो पंचायत को बिलोंग करते हैं वो हार्ट टू रीच एरिया है और आप इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आपकी हम ये विचार जानना चाहते हैं आपका कि आपकी पंचायत को आप आगे लेने के लिए आपके पास और आपने क्या तैयारी की है। जी, सबसे पहले धन्यवाद ये लद्दाख की ओर से हम पहले बार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, वैसे तो लद्दाख के हर सरपंच भी एफर्ट लगाता है पंचायती राज में, तो मेरा अपना क्या मानना है कि मैं सोशल सर्विस जो है मैं सरपंच बनने से पहले ही बहुत करते थे। फॉर एग्जांपल, हमारे गांव के बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन देता था, मैं स्पोर्ट्स में पहले रहा हूँ तो स्पोर्ट्स का भी उनको कोचिंग फ्री में देता था। और उसके बाद मैंने जब इलेक्शन था तब गांव वाले के सामने कोई वादा नहीं किया सर कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैंने जस्ट इलेक्शन में खड़ा हुआ तो गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं जीता। तो जैसे ही मैंने जीता, सेकेंड डे में मैंने गांव में जितने भी हमारा रोड जो ये था, रोड में जो डैमेज था उसको हमने बनाना शुरू किया। वो मेरा खुद, क्योंकि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ तो मैं अपने जेब खर्चे से, क्योंकि पहले तो कुछ दिन गवर्नमेंट का कैसे फंड आता है उसका टाइम लगेगा, तो मैंने फर्स्ट वीक में जितने भी गांव का रोड है वो पूरा फिलिंग किया। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट का, मेरा ये मानना है कि अगर हम एक बंदा कुछ गांव के लिए नहीं कर सकते हैं, जो सबके साथ डिपार्टमेंट के साथ और लीडर्स के साथ हम मिलजुल के गाएंगे तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ मिलने का मौका भी उसी के वजह से मिला लगता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के लोग, सारे लीडर्स, यहाँ के ओपोजिशन के लीडर्स भी मेरे दोस्त हैं, तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वहाँ पे भी डेवलपमेंट, चाहे मेरा गांव में कोई भी इशू है, सबके लिए सब बढ़ चढ़ कर मुझे सपोर्ट करता है। इसीलिए जल जीवन जो हर स्टेट में होता है, लेकिन वहाँ पे हमारा माइनस टेम्परेचर में, तो स्टोक का एक स्पेशलिटी ये है कि -25 डिग्री, सुनने में आया कि अमेरिका में भी ये सक्सेस नहीं हुआ लेकिन स्टोक में पहली बार होने जा रहा है। साउथ में हमारा वेबकोस कंपनी आके उनका डीपीआर किया, उसके बाद अभी प्रैक्टिकली कंप्लीशन पीएमओ ऑफिस में भी इसका बात चल रहा है। उसी तरह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी हर जगह बनता है, लेकिन हमारा उसका स्पेशलिटी है कि लद्दाख में पहले बार वो जो ब्लैक टॉपिंग में हमने ये यूज किया, प्लास्टिक का वेस्ट यूज करके फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया। उसी तरह हमारे गांव में अभी नया जो प्रोजेक्ट चल रहा है आर्टिफिशियल ग्लेशियर, अभी पानी का तो हर किसी को दिक्कत है सर, तो पानी का इशू हर जगह पे आने वाला है। तो अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से देखा कि हर गांव में अभी आने वाले साल में पानी का दिक्कत हो सकता है, तो जब तक हिमालय में बर्फ रहेगा तो सारे गांव को पानी भी रहेगा। तो हम मानते हैं कि हिमालय के जो बर्फ को हम प्रोटेक्ट करना सिर्फ लद्दाखियों या हिमाचल हिमालयन रीजन के लोगों का ये एम नहीं होना चाहिए, सारे लोगों का प्रोटेक्शन ये होना चाहिए सर, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।